नमस्कार प्रश्नकाल को स्वागत करुच्छे मुझे शांति भूषण आज प्रश्नकाल प्रसंग रही है चबीस पे संघर्ष आम कौच यूपी प्लस फोर विजय पर पुणी सतट राज्य विधानसभा निर्वाचन अच्छी चबीस साधारण निर्वाचन एवं जो सतट राज्य निर्वाचन अच्छी अनेक राज्य से मुहांमुह लड़े हे विरोधी मुख्य विरोधी कांग्रेस जेहेतु कांग्रेस सफा हो गला यूपी रे कांग्रेस भोट परसेंटेज कमिक दुई कि पलि आसला तेणु कहुची जे ये जो सात राज्य भितर चार राज्य जो लड़े हे कांग्रेस मुख्य विरोध भूमिका रही तो चबीस पे जो संघर्ष ये बैस रो विजय फलाफल ये चबीस को बाट कढ़ एक राजनैतिक समीक्षक आलोचना करते आज प्रश्नकाल में आम से प्रसंग आलोचना करवा एक आपको ग्राफिक्स मध्यम देखेबी जो बुलडोजर बाबा को नहीं ए पूरा भारत वर्ष चर्चा से कौन कौन ध्वस्त विध्वस्त कले प्रथम मुझ अतिथि मान परिचय कर दूसरी जो मैंने आज आम सहित सामिल हे परिचय कर दूसरी आज आम सहित अक्षय साहू रे वरिष्ठ सांबादिक आज आम सहित रमारंजन बलियार सिंह रे बीजेपी मुखपात्र शरत राउत रे वरिष्ठ कांग्रेस नेता जाजपुर आम सहित सामिल होती समस्त को स्वागत करुच्ची मुझे प्रथम आपको मोदी से दुईट गत काली विजय उत्सव पर जोबले मोदी उद्बोधन दे विरोधी तो टार्गेट कले कले कि एक मोदी कहले जे ए विश्राम नेबार समय ना जिते बड़ चैलेंज ताको अतिक्रम करने परिश्रम अधिक करने पड़ो मोदी 2024 को लक्ष्य रखी यह कहते बोले चर्चा हो प्रथम से बाइट आपको शुणी तापर एक मोदी कहते जे राजनैतिक विशारद माने जो माने आकलन कर 17 निर्वाचन पर विधानसभा निर्वाचन पर यूपी रे जहाँ फलाफल है जिते जहाँ कही एने कहे 22 फलाफल 24 को बाट देख दुईट बैट मुझे आपको मोदी देखेबी प्रधानमंत्री प्रथम से बैट आप देखा जो विश्राम कथा से कहते विश्राम नेबार समय नुहे चैलेंज अधिक अच्छी परिश्रम अधिक करने पड़ो साथियों हमें जुट जाना है एक पल भी गंवाना नहीं है चुनौतियां कितनी ही कठिन क्यों ना हो लेकिन जीतने का संकल्प उससे भी बड़ा होता है आज मैं ये भी कहूंगा कि 2019 के चुनाव नतीजों के बाद कुछ पॉलिटिकल ज्ञानियों ने कहा था 2019 में जब लोकसभा में हम दोबारा जीत करके आए तो उस ज्ञानियों ने कहा था कि भाई इस 2019 के जीत में क्या है ये तो 2017 में ही तय हो गई थी क्योंकि 2017 में यूपी का रिजल्ट आया था मैं मानता हूं इस बार भी ये ज्ञानी जरूर कहने की हिम्मत करेंगे कि 2022 के नतीजों ने 2024 के नतीजे तय कर दिए हैं आपण शुणुले प्रधानमंत्री जहाँ कहते हैं 22 फलाफल 24 को सफलता 24 सफलता उपरे निर्भर कर आम आलोचना को आरंभ करवा वरिष्ठ कांग्रेस नेता शरत राउत आपण जाना चाहूँगी शरत राउत जहाँ मोदी कहले जा एक सबुआ चर्चा वर्तमान होगुकू सात राज्य निर्वाचन अच्छी जो मुहांमु लड़े कांग्रेस बीजेपी भितर छह राज्य हे केवल तेलेाना को छाड़ी तो ये आपड़ कौन भावुंट जो ये जो छह राज्य निर्वाचन यूपी प्लस फोर रो फल है तार किसी प्रभाव रहा ये फलाफल आसला ता पुणी थे रिफ्लेक्ट हो पाए एमती किसी संभावना आपड़ देखुं ना राजनीतिक पापाग बदल किसी आप हवा देखुं आपण हिसाब करंतु 2017 रे जो निर्वाचन होता तार फलाफल उत्तर प्रदेश रो से कहे 19 पर तार प्रभाव रहिला बोली मोदी जी कहले आज्ञा जे वर्तमान 2022 रो निर्वाचन जहाँ फलाफल 2024 रे से पुणी रिपीट हबो आज्ञा एवं ये होचे गोटे हिसाब जो हिसाब रो भीति किछ नाही विजय रे उत्फुल्लित होइकि अच्छा तो मोदी से कथा कही पारि थांती किंतु वास्तव रे ता रूपायित करिवा बड़ कष्टसाध्य होई पड़िवो 2019 रे जो परसेंटेज रो वोट पाइथिले एवं 2017 रे जति के आसन पाइथिला भारतीय जनता पार्टी आपण देखिए प्राय पाखापाखि 40 टी आसन से हरई चंती भारतीय जनता पार्टी एथर उत्तर प्रदेश निर्वाचन रे एवं सेवळी भाबरे वोट परसेंटेज काली आमे बसथिले आपण कहले वोट परसेंटेज बढ़ी छी बोली मो कहतले जोटा कहा होची क्विक एस्टिमेट होची
एक्चुअली भोट परसेंटेज से अनुसार बढ़ी नहीं जो अनुसार आपण माने कहउछन्ती हां आज्ञा शरद बाबू ठीक अटकौछ आपण मु ठीक अटकौछ आपण को ताले आपण अपडेट नहाती शरद बाबू मु अपडेट आपण को मु काली जहा कहिथिले आज मते सेतरे कायम अछि कारण मु जोटा कहउछ रे मो मनरु कहू नै आपण बोध हुए अपडेट नहाती एथि पई मु कहउछि इलेक्शन कमिशन को वेबसाइट को आपण एबे जानतु मु भी जाउछ मो हाथ रे मोबाइल अछि मु आपण को देखै देबी गत काली जहा मु कहिथिली भोट परसेंटेज आज से किंतु आपण कही भोट परसेंटेज आज की कमी पूरा संपूर्ण रिजल्ट आसी सारी उत्तर प्रदेश 403 आसन रही पूरा से वेबसाइट से 41.3% गत काल मुझी एवं मुझे खोलिक आपको स्क्रीन में देखे पारि जदि आप कहे मुझे अपडेट ना तो किए अपडेट अच्छा यूर स्पष्ट हो देख चाहूँ कि देखा चाहूँगी भोट परसेंटेज देखार किसी उपाय ना मुझे जगह बस देखिबार किछ उपाय नाही 39.67 थिला ताले आपण मानंतु जे गत काली जे आपण जो कथा कहिथिले शरद बाबू मो टिके अटकौछ एथि पई गत काली आपण जो कथा कहिथिले आपण ग्रहण करंतु जे गत काली आपण भूल कहिथिले मु आपण को कहि दउछि पूरा आसन कहि देबी मो मोबाइल खोलि सालेनी 403 आसन रो फलाफल मु आपण कहउछि ये होउछि वर्तमान रो माने लेटेस्ट अपडेट मोबाइल रे मु आपण देखउछि स्क्रीन रे काले आपण विश्वास करिवे नै कहबे नै से 39% अछि एथिरे मोर देखिबार उपाय नहीं मो देखि मो पाकर स्क्रीन नहीं मु देखौ अन्य लोक मान मते देखि पारथियो समस्त विश्वास करिवे कारण आपण जो वोट परसेंटेज गतकाली कहिथिले जे आज कमी जीव बोली कहिथिले आपण किंतु वोट परसेंटेज कमी नहीं जहाँ गतकाली थिला सेया अछि समस्त जे गतकाली जा थिला सेया अछि किछि एपोर्ट सेपोर्ट हि नै खाली आसन कथा जदि आपण देखिबे आसन 255 मु कहि दउ छी मु कहि दि आपण क्विक एस्टिमेट दिस इज नॉट गतकाली जोटा शुणु गतकाली आपण जोटा कहिथिले एस्टिमेट गतकाली जोटा क्विक एस्टिमेट कहिथिले भोटर परसेंटेज जहाँ कहते यहाँ परिवर्तन हम आज यहाँ कमिजी किंतु जहाँ मुझे गत काली कही आज मुझे कहूँ भोट परसेंटेज कमी ना 41% अच्छी द्वितीय कथा हूँ भोटर जो आपड़ कही आसन संख्या जदि आप देखिए 255 हूँ एका बीजेपी और तार जो सहयोगी दल जी अपना दल एस तार हूँ 12 निषाद तार हूँ 6 ये समुदाय मिसले 273 मु गत काली जहाँ आपको कही आज मु आपको देखा से किसी फरक ना कि निर्वाचन आसन संख्या गत विधानसभा निर्वाचन मुझे गत काली परसेंटेज क्या कही आज परसेंटेज क्या कहते आज्ञा मुझ पूरा रेकर्ड रखी मन किसी कहूनी बुझा जहाँ कहूँ बुझा आसन क्या कहूनी मुझे भोट परसेंटेज क्या कहूँ मुझ गत काली बीजेपी भोट परसेंटेज 3% रू अधिक बढ़ी आज मुझे कायम अच्छी कारण मो पाखे रेकर्ड अच्छी मुझ मनु कहू नहीं 39.67% थिला 2017 रे एथरक अछि 41.3% आपण हिसाब करतो केते परसेंट बढिला आसन कमिछि गत काली म कहिथिले आज भी कहउछि मो सेटा को डिफर करूछि मो सेटा को डिफर करूछि तण जहा वर्तमान रिपोर्ट आसुछि आपण पाखरे जहा अछि जहा इलेक्शन कमिशनर को ऑफिसर आसुछि दैट इज एब्सोल्युटली क्विक एस्टिमेट इयर सबर विधिबद्ध हिसाब होय नाय आज्ञा हिसाब हला परे तापर जणा पडिबो वोट परसेंटेज बढिछि कि वोट परसेंटेज बेबी विश्वास माने से विश्वास रही इलेक्शन कमिशन को वेबसाइट रे वर्तमान जहाँ फलाफल आसमी ये तो आसन संख्या कम आसन संख्या कम संगे संगे वोट परसेंटेज जो क्या कहते हैं जहाँ आप आहरी कम शांति बाबू शीघ्र आसे ना के आसो आप कहे मुझे आसपी आम सहित बीजेपी अच्छा मुखपात्र अच्छे रमानंजन बाबू सीरिष्ट सांबादिक रमानंजन बाबू ये शरद बाबू मन में धारणा जे आप वोट परसेंटेज उत्तर प्रदेश में कमिजी 41.3% जहाँ इलेक्शन कमिशन को फलाफल घोषणा पर जहाँ अच्छी ता रही ना ये तो घोषणा सरें आत फलाफल बदल परसेंटेज के बदल शांति भूषण आज्ञा निर्वाचन में वोट परसेंटेज आप सारी सबुठ गुरुत्वपूर्ण हूँ जे दीर्घ 37 वर्ष पर उत्तर प्रदेश से एपर शरद बाबू बोले किछ कहिया पई चाहु जोंदी कोई एस्टिमेट एवं कोई एस्टिमेट जण जण के कोंदु रमानंदन बाबा आपण कइसन तापर शरद बाबू कहबे सुनंतु हां दीर्घ 37 वर्ष पर उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी रो सरकार योगी आदित्यनाथन को लीडरशिप रे रिपीट हेछि एवं सेही भली भाव रे उत्तराखंड रे मध्य भारतीय जनता पार्टी सरकार रिपीट हो तो ये किसी
कम कथा नुहे समस्त प्रतिकूल परिस्थिति रे देशरे कोविड रो भयावहता अछि एवं सरकार को उपरे कोविड रो चाप थिला बेले एवं दरदाम मध्य आंतर्जातिक बाजार रे युद्ध जुगु बा अन्यन्य कारण कोविड कारण रो आंतर्जातिक बाजार रे दरदाम बढ़ुथिला बेले साधारण लोक दरदाम बा इंधन ये सब कथा रे प्रभावित हे नाहंती एवं अन्यन्य कृषक आंदोलन कथा कहतु अन्यन्य जो जो कथा अभियोग आसुथला भारतीय जनता पार्टी संपर्क रे से अभियोग रे सेमाने आदौ प्रभावित हे नाहंती बर आईन श्रृंखला परिस्थिति कथा को दमन करिवा कथा कहतु बा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शॉर्ट रे कहि दन मो फुल आपन को आसीबी को फैक्टर काम दला कोन ला तार गतकाली आलोचना सरीची रमारंजन बाबू एबे जा शरद बाबू को मन रे संदेह अछि से कहउछंती जो वोट परसेंटेज आहुरी कमी जिवो ये फाइनल नो ये होची क्विक रिजल्ट या केते बेला फुनी बदलिबो ठीक है क्विक रे आपन कहि दियंतु जे आपन रिएक्शन दे दियंतु ये आहुरी बदलिबो ना एया रहिबो तो इलेक्शन कमीशन कर जो अपडेट से संगे संगे हुए ताकु 5 दिन 10 दिन दरकार नाही अच्छा जहाँ आपन कहउछो ताही सटीक ठीक अच्छे आसबी आपन पाखु अक्षय बाबू ये जो वोट परसेंटेज को लेकिन आलोचना आम करुचे कांग्रेस मन में एबे भी संदेह अच्छी ये वोट परसेंटेज जहाँ फलाफल घोषणा पर कारण वेबसाइट जहाँ इलेक्शन कमिशन को आसल्ट डिक्लार रिजल्ट आसला वोट परसेंटेज कम भाई जोटा आसी कमार संभावना ना जदि से इलेक्शन मुझे देखने अनेस्टली स्पीकिंग के मैंने फाइनाल परसेंटेज के आसी कि वेबसाइट जहाँ दिहा साक्रोशांट से बदलवा कष्ट कितु कथाटी हूँ जे माने आम बारंबार जो परसेंटेज भोट परसेंटेज उपर गुरुत्व दौचे से भोट परसेंटेज गुरुत्व दवा अनेक भिन्न मत अच्छी मोर भी भिन्न मत अच्छी एथिपाई अच्छी भोट परसेंटेज सब बढ़िले जे सेटा गोटाए दलपाई सब शुभ संकेत बहन करिथाय सेटा नुहे अधिकांश समय रे आपण को देखिबे भोट परसेंटेज खराब से उत्तर प्रदेश रो उदाहरण रखी 42.30% भोट पाइक 71टा सीट पाइथला 2014 रे आपणकर भारतीय जनता पार्टी लोकसभा कि पर थरक आप 49% भोट परसेंटेज 49.98 पाउचे 61टा आसन पाउचे गोटे कथा जोटाक आम जो मैंने इंग्राजी जर्नालीजम देखती लेखालेखी करती से गोटे कथा अधिकांश गोटाए फोकस दी स्ट्राइक रेट बा कन्वर्सन रेट तो कन्वर्सन आपड़ केट लड़ुंट केट जीतुचा ही माइनर रखे भोट परसेंटेज आपन को भोट परसेंटेज आपन को खुशी दे पारे किंतु आपन को गोटे कम्फर्ट जोन ने बा आश्वस्ति आनी न दे पारे भारतीय जनता पार्टी 42% पाए 42% 42.30 पाइक जी शांति 2014 नौटी आसन जो 49% भोट पाई खसौची से शांति निश्चित भाव में ना तेणुक बट फाइनाली मैटर्स से आपर कन्वर्सन रेट तो ये आप देखा जे एथरक जो भारतीय जनता पार्टी जब विजय कहे ए विजयटा आपणकर आवश्यक था बिफोर 24 इलेक्शन कहीं राष्ट्रपति निर्वाचन पर भी आप देखिए आप राष्ट्रपति आज जो टॉपिक आम रखी जे जो कथा मोदी मध्य 22 रो फलाफल 24 को बाट देखेबो ये गोटे निष्पत्ति लोक ने 24 बेले ये जो 7 राज्यर अच्छी ये 6 राज्यर पाखापाखि मुहांमु लड़े हम कांग्रेस आउ बीजेपी भितर तेलंगाना को छाड़ी जो आंचलिक दल अच्छी आपड़ भावुं जो 2 राज्य कांग्रेस शासन अच्छी ये कांग्रेस जहाँ स्कोर कला ये 5 राज्य जदि से स्कोर रहे आपको आप देखते 24 पूर्व मानने फाइनाल मैच पूर्व आउ गोटे सेमिफाइनाल मैच जो हम सेथिरे कांग्रेस परफॉर्मेंस को आपण केमे देखछोनी देखंतो कांग्रेस को गोटे जते बळे माने लड़ाई हुए जेंती वर्तमान आपनकर यूक्रेन और रशिया लड़ाई होची सेठी यूक्रेन तार फुल वार मशीनरी धरि करे ओलेची सॉरी रशिया फुल वार मशीनरी नै करे ओलेची ग्राउंड को तो ताकू जदि मिसमैच हबो त यूक्रेन न वार मशीनरी जदि नथिबो मिसमैच हबो यूक्रेन कैन नॉट ऑफर ए गुड फाइट किछ दिन पर सरेंडर करबो वर्तमान कांग्रेस रो जो इलेक्शन मशीनरी थिला से इलेक्शन मशीनरी एवं इलेक्शन मेन एंड मशीनर सेटा लैक करूची के कोन प्रकार मैच करू नै से बीजेपी संगे लड़ंतु किंवा आपणकर अन्य राज्य में क्या सहित लड़ू से इलेक्शन मशीनरीटा वर्तमान कहींपर गोटे प्रकार डिफंक्ट हो जाए चलेबापी लोक ना कि से गाइड करने लोक ना दिस इज व्हाट कांग्रेस इज डेस्परेटली लैकिंग कांग्रेस को प्रथम थर पर
ତାଙ୍କର ସେ ସ୍କିଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ବା ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିଷ୍ଟ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ଯେଉଁ ଓଲ୍ଡ ଇଲେକ୍ସନ୍ ମେସିନରୀ ଅଛି ତାକୁ ପୁଣି ତାକୁ ଓଏଲ୍ ମାନେ ଆମ ଗାଉଁଲି ଭାଷାରେ ଯଦି କହିବା ତାକୁ ଅଏଲିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବା ତାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ତାକୁ ତାକୁ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ଲାଇନ୍ କରି ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ କାହିଁକି ଦେଖାଯାଉନାହିଁ ଦୀର୍ଘ ଦଶ ବର୍ଷ ଧରିକିରି କଂଗ୍ରେସର ଯିଏ ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଗ୍ରହୀ ନୁହନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କର ଓଲ୍ଡ ମେକାନିଜିମ୍ ବା ମେସିନେରୀକୁ ତାକୁ ତା'ର ରିଭାଇଭାଲ୍ ପାଇଁ, ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ନେତାମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ପାଉଛନ୍ତି, ଦିଶା ପାଉନାହାନ୍ତି, ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ପାଉନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜୁନୁନ୍ ଯେଉଁ ଜୋଶ ଯେଉଁ ଜିଦ୍ଦି ସେଇଟା ହିଁ ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ଜୁନୁନ୍ ଜୋଶ କଂଗ୍ରେସ ହରେଇଛି। ଅକ୍ଷୟ ବାବୁ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ରାଜି ହେବେ କି ନାହିଁ ଶରତ ବାବୁ ତ ମୁଁ ଜାଣିନି, ତଥାପି ଶରତ ବାବୁଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଅକ୍ଷୟ ବାବୁ ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜୁନୁନ୍ ଜୋଶ ଦରକାର କଂଗ୍ରେସ ପାଖରେ, ସେ ଆପଣ ତାକୁ ହରେଇଛନ୍ତି। ପଞ୍ଜାବରେ ହରେଇଲେ, ୟୁପିରେ ତ ହରେଇ ସାରିଥିଲେ, ପଞ୍ଜାବରେ ମଧ୍ୟ ହରେଇଛନ୍ତି। ନାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି, କଂଗ୍ରେସର ଲୋକପ୍ରିୟତା ବଢ଼ିଛି, ଲୋକ ସମର୍ଥନ ଜନସମର୍ଥନ ବଢ଼ିଛି। କଂଗ୍ରେସ ଯେଉଁ ମୁଦା ସବୁ ରଖିଥିଲା ସେ ମୁଦାକୁ ଲୋକ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଥା ଅକ୍ଷୟ ବାବୁ କହିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକମତ ଯେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଭୋଟରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କଳା ଏବଂ କୌଶଳ କଂଗ୍ରେସ ଦଶ ବର୍ଷ ଧରିକି ହରେଇଛି ଏ କଥା ସତ୍ୟ ଏବଂ ମୁଁ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା ଶରତ ବାବୁ, ମୁଁ ଟିକେ ଅଟକଉଛି, ଆପଣ ପୁରା କରିବେ, ମୁଁ ଦେବି ସୁଯୋଗ ଦେବି ପୁରା କରିବା ପାଇଁ କଥା। ମୋର ଟିକେ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଏଇଠି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଦଶ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆପଣ ହରେଇଲେଣି କଳା କୌଶଳ, ଏ ଦଶ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆପଣ କଳା କୌଶଳ କେମିତି ପୁଣି ଫେରିପାଇବେ? ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଅସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରିବା କଥା ବା ସଂଗ୍ରହ କରିବା କଥା କଂଗ୍ରେସ କ'ଣ କରିପାରୁନି? କେଉଁଠି ବି ୟୁପିରେ କରିପାରିଲାନି, ପଞ୍ଜାବରେ କରିପାରିଲାନି, କେଉଁଠି ବି କରିପାରିଲାନି। ଦେଖନ୍ତୁ ପରାଜୟରୁ ଶିଖିବାର ବହୁତ ଜିନିଷ ଥାଏ ଏବଂ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପରାଜୟ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ହେଉଛି ଏବଂ ଭୋଟକୁ ଆମେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଥାଇକି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସମର୍ଥନ ଥାଇକି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ମୁଦା ଆମେ ସାମ୍ନାକୁ ନେଇକି ଯଦି ଆମେ ଏଥିରେ ସକ୍ସେସ ହେଉନୁ ତା ଇଲେକ୍ସନରି ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ ସେ ପ୍ରୋସେସରେ ଆମର କିଛି ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ରହୁଛି ଦଳୀୟ ସଂଗଠନ ଭିତରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହୁଁ। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଏଇ ଯେଉଁ ପରାଜୟ ସବୁ ହେଉଛି ଏ ପରାଜୟରୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ନିଶ୍ଚିତ ପାଇବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏସବୁକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଉଦ୍ୟମ କରିବୁ ଏବଂ ଉଦ୍ୟମରେ ସଫଳ ହେବୁ। ଆଜି ଯେଉଁ କଥା ମୋଦି କହୁଛନ୍ତି 2022ର ନିର୍ବାଚନ 2024ରେ ପ୍ରଧାନ ପୁନରାବୃତ୍ତି ଘଟିବ ବୋଲି ଏ କଥାରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ କଥା ଏବେ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏକ ହେଇ ଲଢ଼ିବାର ଯେଉଁ କଳା ସେ କଥା ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ପାଖରେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ରେଜଲ୍ଟ ଆସୁ ଆସୁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସିଦ୍ଧୁଙ୍କର ଗୋଟେ ବୟାନ ଆପଣ ଶୁଣିସାରିବେଣି, କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସିଦ୍ଧୁ କହିସାରିଲେଣି ଯେ ମୁଝେ ନିଚା ଦେଖା ନାଇଁ ବାଲେ ଖୁଦ୍ ହିଁ କୁଏମେ ଗିର୍ ଗଏ। ଇଏ କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି? ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ହାରିଛନ୍ତି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ପଞ୍ଜାବର ଜଣେ ସେଥିରୁ କହିଛନ୍ତି ଇଏ ସିଦ୍ଧୁ ହେଉଛନ୍ତି ବେଲଗାମ ଘୋଡ଼ା, ମାନେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ଆପଣଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ, ବାଗ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତ ଅସ୍ତ୍ର ଆପଣ ଠିକ୍ ଚଲେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପରାଜୟ ପରେ ଯେଉଁ ବାଗ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଇଏ ପଞ୍ଜାବରେ ତୀବ୍ର ହୋଇଗଲାଣି, କାହିଁକି ହେଉଛି ଏମିତି? ଶାନ୍ତିବାବୁ ଏଇଭଳି ସିଦ୍ଧୁଙ୍କ ଭଳି କିଛି ଲୋକ ପଶି ଆସିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ଭିତରେ, ଯେଉଁମାନେ କଂଗ୍ରେସର ନୀତି ଆଦର୍ଶ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୁରା ସେମାନେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହେଇନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ବ୍ୟବହାର ଆଚରଣ ସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ପାଉଛୁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଦଳର ହାଇକମାଣ୍ଡ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ନିଜେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଏ ପରାଜୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି, ଜନମତକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇଥିରୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିକି ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଂଗ୍ରେସ ସଂଗଠନକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ, ଏକଥା ସେ ତାଙ୍କ ଟ୍ୱିଟରରେ କହିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ତ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଉଥରେ ଆସିବି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ ଯେଉଁମାନେ ବିଜେପି ସହ ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ଦଳ ସବୁ ଏକାଠି ହେବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସକୁ ମାଇନସ୍ କରିକି। ଶରତ ବାବୁ ତାର ଆନ୍ସର ଆପଣ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ରମାରଞ୍ଜନ ବାବୁ, ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କର କିଛି ସମୟ ତଳର ବୟାନ, ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, କାରଣ କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ଲଢ଼େଇ କରିବାର କ୍ଷମତା କଂଗ୍ରେସର ନାହିଁ, ଏବଂ ଯେଉଁମାने ବିଜେପିକୁ ଟକ୍କର ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ଏକଜୁଟ ହେବା ଦରକାର। ଏଇ ଏଇ କଣ୍ଟେଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେଉଁ 7 ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି, 6 ରାଜ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ଲଢ଼େଇ ହେବ କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ବିଜେପି ଭିତରେ, 2 ରାଜ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସ କ୍ଷମତାରେ ଅଛି, ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର କଂଗ୍ରେସର ସ୍ଥିତି, ଆକୁ ଆପଣ କେମିତି ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେଉଁ 5 ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା ସେଠି ଅଭୂତପୂର୍ବ ବିଜୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ହୋଇଛି, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଯେଉଁ 7 ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବ ସେଠି ମଧ୍ୟ
आमे आशा करूछु एवं निश्चित भाव पार्टी सेठी संख्याधिक मत नहीं सरकार गठन होवाई करने समर्थ हे। आज जो राजनीति से राजनीति में कांग्रेस एक प्रकार भाव प्रासंगिकता हरई जातीय दृश्यपटर किंतु जो किसी राज्य में उदाहरण स्वरूप पंजाब जोठी कांग्रेस मो प्रश्न टे सर्ट उत्तर दे दिंतु जे कांग्रेस रो जो लड़ई करिवार क्षमता तार हरई ए सात राज्य भितर जो डायरेक्ट लड़ई होबार थिला कांग्रेस ऊपर आ निर्भर करले चली माने ममता बनर्जी कहते अन्य दल माने एकाठी हेबा दरकार। ममतांकर जो आस्फाळन से आस्फाळन केवल आस्फाळन ही रहइबो अच्छा कारण आप कहउची जे आमे आगू को जिवु टीएमसी कहउची आमे आगू को जिवु अच्छा कांग्रेस कहउची आमे पुरणा दल ताले ममतांकर आस्फाळन आस्फाळन रही जिवो एवं यूपी रे जहां बुलडोजर चलला से बुलडोजर अन्य राज्य में आप चलेंगे माफिया राज को ग्राफिक्स मध्यम आपको देखा चाहूँ जब सारा देश में जो चर्चा बुलडोजर बाबा विजय एवं बुलडोजर बाबा कौन कौन विध्वस्त कले टे आप ग्राफिक्स मध्यम देखता मुझे आप आसबी जो बुलडोजर बाबा विजय जहाँ रहा से कौन कौन विध्वस्त कले देखु एक माफिया राज दीर्घ दिन धरिक जो थी समाजवादी शासन में ध्वस्त विध्वस्त कले योगी सरकार ता हूँ एक नंबर ग्राफिक्स मध्यम आप देखते कौन कौन विध्वस्त कले बुलडोजर बाबा एक रे माफिया राज दुई रे सरकारी विरोधी हवा जो गोटे यूपी जहाँ इतिहास अच्छी थे जे शासन करुच्ची ता थर तो बदली जाए कि सरकारी विरोधी हवा ताकू ध्वस्त विध्वस्त कले तीन रे पांच वर्षर सरकार पर धारा जो कथा मुझे कहती सैंतीस वर्षर चार दशंधि इतिहास को बदलें पुनरावृत्ति है जो धारा चली धारा चलना ना आ चारे चाषी आंदोलन जो नकारात्मक प्रभाव पड़े बोली कहुला यूपी पड़ा ना एवं पाँच रे ब्राह्मण भोट बीजेपी को न आसवाप जो धारणा थी से धारणा ध्वस्त है ये हूँ पाँच छे हूँ विरोधी दंभ सबुठ बड़ जोटा ध्वस्त विध्वस्त है कहते बुलडोजर बाबा ये सब छटा को ध्वस्त कले माफिया राज आरंभ करी विरोधी दंभ को बुलडोजर जा कौन कौन ध्वस्त विध्वस्त करके बाटर आप देखुं विरोधी दंभ लास्ट में ध्वस्त है कि प्रथम माफिया राज देखु कौन कौन ध्वस्त होबा बुलडोजर में ये यूपी एवं से चर्चा ये बाबा हूँ बुलडोजर बाबा अक्षय बाबू आप लास्ट कमेंट जो कथा मुझे प्रथम आपको पचारी जे कांग्रेस जेहेतु धीरे धीरे नेतृत्व लोक आस्था तुटुची ये जब यूपी कथा आप देखिए पंजाब कथा देखिए अन्य राज्य कथा देखिए तो ये जो जोटी जोटी सरकार अच्छा दुई राज्य में आउ चार राज्य में जो डायरेक्ट फाइट हे केमी आप देखुं चबीश बेलू ये कांग्रेस आहरी दुर्बल हो जाए ये जो स्थिति लग रहे बिल्कुल वर्तमान जहाँ स्थिति रही कांग्रेस आगामी दिन में जो दुईट राज्य अच्छे आप छत्तीसगढ़ एवं राजस्थान से स्थिति खराब हो जाए कारण आम देखीचे आपणकर छत्तीसगढ़ भी आपणकर सरी आप राजस्थान में भी सी इंटरनाल कनफ्लिक्ट रही भितर भल पड़ूना आपणकर मुख्यमंत्री एवं सचिन पायलट भितर तेनाली कंदल अच्छी छत्तीसगढ़ एक अपेक्षाकृत भाव में जदिव ना भी आम कहीपर से भी वरिष्ठ नेता मान भितर मनमाली अच्छी तो बीजेपी सक्सेसफुली जदि यूटिलाइज कर एक्सप्लोइट कर समय बेलू कि अघटन घटी जा पाए कि आउे गुजरात इत्यादि देखा जदि गुजरात में आप देखिए सेठी जो लड़ाई हमारा डिसेंबर बेलू जो निर्वाचन हम डिसेंबर जनवरी हम से आप देखिए जे कांग्रेस जदि से अधिक सक्रिय अच्छे से आप भी गत थरक प्रवेश करता एथरक भी बड़ धरण प्रवेश कर पाए जदि विरोधी विखंडित हूँ तो भाजपा पुणी थे जमी उत्तर प्रदेश में देखुले जिते तेणुक कांग्रेस को गोटे कथा जदि कांग्रेस बर्तमान रेकनिक रणति रहा चाहिए ताहले तार से इलेक्ट तार जो इलेक्शन मेसीनरी को प्रथम पुणी थे सजाड़ा पड़ो से मेसीनरी गुड़ा किए चल से जोश पड़ो जोश क्या कहते कांग्रेस जोश हरई शरद बाबू आप लास्ट कमेंट ममता बनर्जी देखुं कांग्रेस पाखे आज जोश ना से कहते मोदी विरोधी शक्ति गुड़िक जो मैंने एकाठी हवा कथ मोदी को टक्कर देवाई कांग्रेस पर भरोसा पाने से कहते कांग्रेस निर्भर कर किसी लाभ ना आप ममता ये वक्तव्य केमी देखुं ममता वेस्ट बंगल पश्चिम बंगे तृणमूल कांग्रेस ओडिशा रे विजु जनता दल एवं पंजाब रे आप जो आविर्भाव है दिल्ली में आप
ये सबुगुड़िक जदि आप हिसाब करिए समाजवादी पार्टी की समेत पीएसपी रो पार्टी की मायावती पार्टी की मिसेबले एमाने सबु हेले बीजेपी रो बी ग्रुप अच्छा एमानकर बीजेपी रो जो लक्ष्य कांग्रेस मुक्त भारत सेमानकर मत सेई लोक लक्ष्य जे कांग्रेस को केवल हमरे तळितरांत करबो कांग्रेस इंक्लूडिंग ममता आउचंती बीजेपी रो बी ग्रुप लास्ट कमेंट ठीक अछि समय सरुची जो कथा आपण कहले ठीक लास्ट कमेंट दे दियंतु रमानंदन बाबू ए जो जो दल ना कहले शरद बाबू ममता को ठू आरंभ करी तृणमूल ठू आरंभ करी आप पर्यंत ये माने समस्त होचंती बीजेपी रो बी ग्रुप सुनतु मान्यवर मोदींकर जो सकारात्मक मनोभाव विकासमक मनोभाव एवं सबका साथ सबका विश्वास सबका प्रयास ये सारा देश रे कुकबळ काम दउछु एवं आगामी दिन रे काम दबो ये जो ए माने बी ग्रुप नहंती तृणमूल कांग्रेस साफ बीजेपी रो बी ग्रुप नहंती शुंतु बीजेपी निजे राष्ट्रवादी दल एवं बीजेपी माननीय नरेंद्र मोदी नेतृत्व में चली एक भिन्न स्वादर दल भिन्न चिंतार दल साधारण लोकों दल आज हिसाब से उभाई प्रश्न काल को सारे शरद बाबू शरद बाबू बहुत बहुत धन्यवाद किंतु जो संदेह एवं भी आपण मन अच्छी इलेक्शन कमिशन को वेबसाइट जो रिजल्ट आसान कौन से रिजल्ट कल की परिवर्तन हो पाए गत काली कहते हैं गत काली जहाँ कहते आज से आपण मन में विश्वास अच्छी आसंता काली परिवर्तन होमें भी अपेक्षा करवा इलेक्शन कमिशन रिजल्ट बदली जाऊँ मुझे दृढ़ निश्चित जहाँ मो पाखे तथ्य अच्छी गत काली जहाँ थी आज से भोट परसेंटेज 41.3% गत काली आज से बीजेपी गत काली अन्य दल जहाँ आज से कि आपण मन जो विश्वास अच्छी संदेह अच्छी ये आहरी कम अपेक्षा करवा कल की प्रकृत में भोट परसेंटेज कमुचे ना ना समय सर प्रश्न काल को ये रखा नमस्कार।